हमें पहचानना होगा तो आप रावण को देख लीजिएगा, ब्राह्मण को पहचानना होगा, डेफिनेशन लेनी होगी तो परशुराम को देख लीजिएगा, ब्राह्मण की डेफिनेशन जाननी होगी तो चाणक्य को देख लीजिएगा, ब्राह्मण को समझना होगा तो आर्यभट्ट को देख लीजिएगा, ब्राह्मण को अगर समझना होगा तो आप सुदामा को देख लीजिएगा, ब्राह्मण को यदि आपको समझना होगा तो राजा दाहिर को देख लीजिएगा, ब्राह्मण को यदि आपको समझना होगा तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिएगा। और आप अपने उदाहरणों का लिस्ट बनाइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज इस चैनल पर जो अभी एक ट्रेंडिंग बहस आपने देखा होगा कि दिल्ली में, मैं उस संस्था का नाम नहीं लूंगा लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि एक दीवार पर ब्राह्मण भारत छोड़ो ये नारा लगाया गया है। तो ये एक रिस्पांस टाइम है और मुझे भी अपना परिचय देने के साथ साथ एक रिस्पांस देना होगा कि ये जो लाइन लिखी गई ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये 1947 में क्यों नहीं लिखी गई, जब ना देश के पास शिक्षक थे, ना देश के पास लेखपाल थे। जो मैं अब धरातल की बात मैं करता हूं, जो आपके पास खतौनी है, हम सबके पास जो खतौनी है, या जो हमारा घर का कागज है, या हमारा आधार कार्ड है, या हमारा वोटर आईडी कार्ड है, या हमारा बैंक खाता है, या हमारी वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी धर्म के लिए भारत में जो डेटा है वो किसकी देन है। आपकी पहचान को यदि हम किसी ने बचा कर रखा है तो ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा आपको 47 में देना चाहिए था, 1947 में, जब आपके पास कुछ नहीं था। क्योंकि उस डेटा का संकलन और लेखन करने वाले लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें ब्राह्मण थे। क्योंकि अब यहां पर सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय सवर्णों को छोड़कर अन्य जातियों में उतने पढ़े लिखे लोग मौजूद नहीं थे। और स्थिति यह थी कि जिस तरह आज आप बेरोजगारी का नारा लगाते हैं, उस तरह लोग उस समय रोजगार दिलाने के लिए, और ये बात कहीं ना कहीं जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे वो भी जानते होंगे कि आपने सुना होगा कि पहले लोग नौकरी पकड़ कर देते थे। हमारे दादा को पकड़ ले गए फौज में, नौकरी दे दी। हमारे बाबा जी को प्रिंसिपल बना दिया स्कूल का। तो अयोग्य लोग नहीं थे। इवन केजीएमसी मेडिकल कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो भारत का एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है कि दुनिया के 75% डॉक्टर्स भारत से हैं, जो बेस्ट इन क्लास है, और उस 75 में 65% किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं। तो उस समय जब केजीएमसी में प्रोफेसर की आवश्यकता थी, मेडिकल साइंस को पढ़ाने की बात थी, इंजीनियरिंग साइंस को पढ़ाने की बात थी, जब तक आपको शिक्षा लेनी थी तब तक आपने नहीं लिखा ब्राह्मण भारत छोड़ो, जबकि 65% ब्राह्मण तो ऑलरेडी भारत छोड़ ही चुका है, वो रहना ही चाहता आपके साथ। क्यों? क्योंकि रहने के पास उसी के लिखे हुए, उसी के बाप दादा के लिखे हुए शास्त्रों को आप तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे कि वहां पर शूद्र लिखा है, वहां पर वैश्य लिखा है, वहां पर क्षत्रिय लिखा है, वहां पर ब्राह्मण लिखा है। जबकि आज अगर देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा चेहरा आपको पिछले स्वतंत्रता सेनानी से लेके और जितने भी लोग रहेंगे उतना पढ़ा लिखा चेहरा आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने इस चीज का कभी वर्णन नहीं किया, उन्होंने इस पर कभी प्रकाश नहीं, उन्होंने आरक्षण की बात भी नहीं की, और आरक्षण के मुद्दे पर वो किस तरह थे, अब यहां पर मैं अम्बेडकर साहब की बात नहीं करूंगा, वो किस तरह बात कर रहे थे वो विचार भी नहीं देखा गया। बाद में राजनीतिकरण के तहत आरक्षण लागू किया गया, और जहां से आरक्षण लागू किया गया, जिन लोगों ने भी आरक्षण को सपोर्ट किया, उन लोगों का ही हाथ ब्राह्मण छोड़ो में भी है। तो जो कथित वामपंथी, जैसे हमारे ही बाप दादा का लिखा हुआ शास्त्र, और कोई थर्ड पर्सन आपको पढ़ा रहा है जो खुद क्वालिफाइड नहीं है, तो वो आपको क्या पढ़ाएगा? वो आपको शिवलिंग को, लिंग का मतलब रूप ना पढ़ा करके, ईश्वर का रूप शिवलिंग, वो आपको कुछ और ही पढ़ाएगा, जो मैं शब्दों के माध्यम से यहां बता ही नहीं सकता कि उसको शिवलिंग को किस चीज की संज्ञा दी जाती है। तो जानकारी के अभाव में, और रही बात ब्राह्मण की, तो आप मौर्य काल से देखिए, चाहे भगवान राम के काल से देखिए, या आप प्रकृति पुरुष संयोग जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उस काल से देखिएगा कि तो ब्राह्मण आपके लिए कैटलिस्ट का काम करता है। आया, रिएक्शन कराया, फिर बिना कुछ लिए दिए सेम है, जैसे वो रहता है सेम फॉर्म में वापस हो जाता है। तो 1947 में आपने नहीं लिखा ब्राह्मण भारत छोड़ो, आज आपके पास कुछ नहीं होता। आज ये जो लंबी चौड़ी भाषण आप देते ना, आपके पास माइक तक नहीं होता।
आप जिस तरह YouTube या फिर फोटो क्लिक कर रहे हैं, ये भी कुछ नहीं होता आपके पास। आपको ये पता होना चाहिए। और जो सही में क्षत्रिय है, जो वास्तव में पौराणिक कालीन क्षत्रिय है, वो हमेशा इस बात का समर्थन नहीं करेगा। उसको पता है कि हिंदुस्तान यानी भारत, जिसकी बात आप बड़े ही गर्व से करते हैं, सबसे पहले तो मैं भी कहता हूं भारत माता की जय, वंदे मातरम, लेकिन इस बात को सिखाया भी हम ही ने आपको है। अपने पिताजी को आपको चरण स्पर्श करना है, अपनी गाय को आपको पगहा लगाना है, यह ज्ञान भी पंडित नहीं आपको दिया है, ब्राह्मण नहीं आपको दिया है। और ब्राह्मण का अर्थ ज्ञानी होता है। तो जितने ज्ञानी लोग थे, अभी जब प्राइमरी में पंडित जी लोग पढ़ाते थे, पंडित जी पायलागी के जमाने से, तब तक पंडित जी पायलागी किया गया। जैसे ही पढ़ लिख के जो लोग काबिल बने, उनको पता नहीं कहां से ब्रेन वॉश, क्या पंडित जी ने यह बताया था कि आप जाकर ऐसा विरोध करेंगे हमारा? ऐसा कभी नहीं सिखाया गया होगा। और जब आप सब कुछ सीख ले, उसके बाद आप वामपंथ की तरफ जाके और जहर घोले समाज, किसी ब्राह्मण ने यह नहीं कहा होगा कि कोई छोटा या बड़ा है। क्योंकि यदि हम ब्राह्मण हैं तो शंकराचार्य के फॉलोअर हैं, और शंकराचार्य के लिए, शंकराचार्य के लाइफ में भी ऐसे सवाल उठे कि क्या कोई छोटा बड़ा है, तो शंकराचार्य ने उसका जवाब दिया और उस व्यक्ति की हां में हां मिलाई। तो हम शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं। हमें नहीं पता कि हम आजकल कालीन ब्रह्मा के समय से हैं या नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि ईश्वर द्वारा भेजे गए नए जमाने में भी जो मैसेंजर आया, जिसने सही बात की, हमने उसका समर्थन किया। हमने देश के राह में सब कुछ अपना कुर्बान किया, हम वो ब्राह्मण। तो ये एक मैं ये पूछना चाहता, यही सवाल मेरे मन में था कि आखिर ये बातें आपने पहले नहीं की। आप, क्योंकि आप मौका परस्त हो सकते हैं, आप जब आपका कार्य हो गया है तो आप लिख देंगे, लेकिन सिर्फ आप लिख सकते हैं। ऐसे 2% के लोग सिर्फ ये लिख सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्या है, उसके अस्तित्व को समझने के लिए तुम्हें ब्रह्म को जानना होगा, तुम्हें इस ब्रह्मांड को समझना होगा। और जहां तक मुझे पता है, ये लाइन लिखने वाला ब्राह्मण भारत छोड़ो, उस व्यक्ति को ब्रह्मांड की डेफिनेशन तक नहीं पता होगी। वो छोटभैया नेता टाइप का आदमी होगा, जिसकी पहचान इतनी होती है कि वो अपने घर पे यदि कह दे कि मेरे यहां 2 अतिथि आए हैं, चाय बना दी जाए, तो उसके घर पे भी उसकी बात नहीं मानी जाती। वही व्यक्ति ऐसा छोटा मोटा प्रोपोगंडा करके अपने नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें पहचानना होगा तो आप रावण को देख लीजिएगा, ब्राह्मण को पहचानना होगा, डेफिनेशन लेनी होगी तो परशुराम को देख लीजिएगा, ब्राह्मण की डेफिनेशन जाननी होगी तो चाणक्य को देख लीजिएगा, ब्राह्मण को समझना होगा तो आर्यभट्ट को देख लीजिएगा, ब्राह्मण को अगर समझना होगा तो आप सुदामा को देख लीजिएगा, ब्राह्मण को यदि आपको समझना होगा तो राजा दाहिर को देख लीजिएगा, ब्राह्मण को यदि आपको समझना होगा तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिएगा। और आप अपने उदाहरणों का लिस्ट बनाइएगा। यदि ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, जिसने भी वो लाइन लिखी है, जब तुम्हारा मन करे, जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, इंजीनियरिंग साइंस, मेडिकल साइंस, साइंस, भूगोल, इतिहास, शास्त्र, भाषा, व्याकरण, संस्कृत, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भोजपुरी, मैथिली, जिसमें, जिस भाषा में आप अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस करें, वाद विवाद के लिए ये वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। और मैं उस हर वाद विवाद मैं हिस्सा बनना चाहता हूं, क्योंकि हमारे वेदों में संभाषा बताई गई है, संभाषा किया जाना चाहिए, जिससे ज्ञान का प्रकाश निकलता है, यानी कि हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए। तो यदि आपने वो लिखा है तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, आप वाद विवाद के लिए यदि तैयार हैं तो जहां चाहें या जब चाहें आप हमें बताइएगा, हम आपसे वाद विवाद करने के लिए आपके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए वहां पहुंचेंगे। और खुले मंच पर डिबेट कर लीजिए आप कि आपने क्या किया है राष्ट्र के लिए और हमने क्या किया है राष्ट्र के लिए, वामपंथ की विचारधारा ने भारत को क्या दिया है, यह भी बता दीजिएगा। और सवर्णों के हित की बात करने वाले लोग कितने गलत हैं, यह भी जान लीजिएगा।
क्योंकि आप शायद नहीं जानते कि बंबई से कर्नाटक तक पान लगाने वाले सिर्फ पंडित जी लोग हैं। बंबई में अगर महिलाएं बर्तन धो रही हैं तो वो ब्राह्मणों की स्त्रियां हैं। 35% ब्राह्मण आज भारत में 5 से 15% के बीच सिमट गया है। इस चीज को जानने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर मैं किसी जाति को प्रमोट नहीं करता, बल्कि हर जाति को भ्रातृत्व और मातृत्व और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से इस चैनल पर बात की जाती है। तो चाहे वो बात ब्राह्मण के लिए हो, चाहे क्षत्रिय के लिए हो, चाहे वैश्य के लिए हो या शूद्र के लिए हो, मैं हमेशा आप सबके साथ खड़ा हूं, क्योंकि हम सबका एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है। और जिस दिन उस इतिहास के मुकुट को आप उतार कर फेंकने की बात करेंगे, ब्राह्मण भारत छोड़ो की बात करेंगे, हम जैसे वैद्य अभिषेक आपको मिलते रहेंगे और आपको जवाब देते रहेंगे। इन्हीं कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार भक्त आज फिर विदा लेता हूं। चैनल पर बने रहिएगा, मैं इस तरह के अपडेट्स के साथ और नए रिएक्शंस के साथ आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।